पहले कर्तव्य आज्ञा मावन से आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे और भाग्य के आज मेरे यहाँ पर हमारे मानव शिक्षण के अध्यक्ष श्री पंकज जी गंगावत मुझे कामना देने आए हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व रक्त दिवस पर। आज 14 जून अंतर्राष्ट्रीय रक्त दिवस के आप सभी को बहुत बधाई दे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे माध्यम खेलों में मार्बल व्यवसाय सफल व्यवसाय जवाहरलाल जी की जुड़ी। आज से पहले जब वो किसी व्यापारिक पहले से जब वो दुबई गए थे तो उनकी कोई सड़क हादसे के अंदर एक्सीडेंट हो गया तो उनको उस समय रक्त की कमी हुई, उससे उनका वहाँ पर देहा डेवलप हो गया था। उस समय इनके पुत्र अजय जी वगैरह बहुत छोटे थे, हम तो उस समय जवाहरलाल जी जुड़े हुए थे, परंतु जब अजय जी ने उसको दिमाग पे लिया उन्होंने उस दिन से सोचा कि पापा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि ऐसा कोई आदमी किसी के हादसा नहीं और अच्छी किसी के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमें बड़ा मार्बल एसोसिएशन और हमारे मार्बल व्यापारी को बड़ा गर्व होता है कि इन्होंने अभी तक 70 बार के लगभग रक्तदान कर दिया है और बराबर जो भी रक्तदान करते हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं और रक्तदान में हमेशा अग्रणी रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी जिन्हें इस मानवीय सेवा कार्य में आगे आए रक्तदान और मानवीय सेवा इससे बड़ी की सेवा। नमस्कार मित्रों, आज आपको ले चलते हैं ऐसे उदयपुर के एक ऐसे समाज सेवी से परिचय कराने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। एक धर्मवीर और दानी परिवार से हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, तो बने रहे चैनल के साथ। तो आज हम मिलवाने वाले हैं अजय खतुरिया साहब, जो कि उदयपुर में एक धर्म प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे रक्तवीर है, अपने अपने जीवन में अनेकों बार जो है रक्त जो है दिया है, करीब 70 बार रक्त दान करने वाले ऐसे रक्तवीर आज हमारे चैनल पे आपके सामने रूबरू होंगे। उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों में आप देखें कि वो कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और एक अनुभवी है, निर्माण कार्य में एक बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं और आप देखें स्वयं फीता लेके नापते हुए ऐसे रक्तवीर कर्मवीर आपने सामाजिक सेवा में जीव जंतु मनुष्य पर्यावरण हर एक लिए सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की गई है, चाहे कोविड का दौर रहा हो उस समय भी आपने बहुत ही सेवाएं प्रदान की और आप देखें कि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी आज से करीब 22 वर्ष पहले विदेश यात्रा के दौरान एक हादसे में उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद से ही लगातार अजय खतुरिया साहब जो है अपने पिताजी की स्मृति में हमेशा 3 महीने होते ही रक्तदान करने पहुंच जाते हैं। रक्त के अभाव में ही आपके पिताजी की स्वर्गवास हुआ था और आपने प्रण लिया है कि मैं जीवन में रक्त से किसी की मृत्यु नहीं होने दूंगा और आज कई बार रक्त कर चुके हैं और तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में अजय खतुरिया साहब स्वयं हमारे चैनल पे आए हैं। आपका स्वागत है चैनल पे। नमस्कार, मैं अजय खतुरिया अजय मार्बल से आपका स्वागत करता हूँ और आज विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून को, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। ध्यान रखिए कि एक बोतल खून की 3 जिंदगियाँ बचाता है। मैं आज तक 70 से 80 बार रक्तदान कर चुका हूँ और लोगों से यही कहते हैं किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करें, अन्नदान वस्त्रदान विद्यादान आप समाज का हिस्सा बनिए, करके देखिए अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज अजय खतुरिया साहब से मिलने का मौका मिला है और आपके समस्त किए गए कार्यों के बारे में भी हम वर्णन से आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ बहुत प्राथमिकता से दिखाएंगे और आप बने रहे चैनल के साथ। बहुत ही खूबसूरत और एक संदेश देने वाली जागृति का संदेश
धर्म के प्रति संदेश, मानव और इंसानियत के प्रति संदेश आपके बीच में होगा। कैसे आपने इस यात्रा का प्रारंभ किया है और उदयपुर नगर में आपने ऐसे कृतिमान काम किए हैं जिससे आपको स्वयंसेवी संस्थानों ने भी सम्मानित किया है। इसके साथ आपके औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल एसोसिएशन हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी संगठन हो, सभी संगठनों ने आपका सम्मान किया है। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपको खूब आगे स्टोरी और खूब ये धर्म की एक से बढ़कर एक तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। मैं चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, सूक्ष्म कृतिकार, उदयपुर से। मैं आज ऐसे शख्स से परिचय करवाना चाहता हूँ, एक नाम अजय खतुरे, जो इंसानियत का सच्चा धर्म का पालन कर रहे हैं। आइए उनसे परिचय करवाता हूँ। अजय खतुरिया जी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने समाज के लिए कई प्रयत्न किए हैं, जीवन दान दिए हैं, उन्होंने रक्तदान भी किया है, बहुत सारा उनको सम्मान मिला है। अभी लोक जन सेवा संस्थान द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया है, पगड़ी पहनाकर, अपर्णा ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया, अभिनंदन किया गया, तस्वीर देकर, प्रशंसा पत्र देकर बहुत हमें काफ़ी खुशी हो रही है। ऐसे समय समय पर मैं ये अजय खतुरिया जी, मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा करें, तो किसी को रक्त की ज़रूरत रहे तो 24 घंटे हमेशा तैयार रहें ताकि उनके जीवन बचा सके और सुरक्षा दे सके और देश को आगे बढ़ा सकें। उस योगदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अजय खतुरिया जी रक्तदाता है और उन्होंने रक्तदान दिया है, जो जीवन से जूझ रहे थे उनको जीवन दान देकर और बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और ये काम करते रहे, हमेशा दीन दुखियों की सेवा करते रहे। अजय खतुरिया जी एक सामान्य परिवार के हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। बहुत खुशी होती है, देश में उदयपुर राजस्थान तीनों की नगरी का नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, उदयपुर के हम जुझारू, ऊर्जावान, समाज सेवी, रक्तवीर, धर्म प्रेमी आज हमारे बीच में हैं, अजय खतुरिया साहब, जिनके साथ आज हमारे चैनल पे आपके साथ रूबरू होंगे और आप अपने जीवन के बारे में, संपूर्ण आपकी सेवा के बारे में आपको एक एक वर्णन करेंगे। और आप की धारा के बीच ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और हैं और हमारे अंदर कुछ का मन रखता, हमारे अंदर कुछ की वजह से हम यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमें अपना कार्य करना। अजय खतुरिया साहब एक नज़र में हमारे चैनल पे, अजय खतुरिया साहब आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये था कि आपको सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे समाज सेवा और रक्तदान की प्रेरणा मेरे पिताजी स्वर्गीय जवाहरलाल जी खतुरिया के निधन के बाद मिली। उनका ध्यान सन 2000 में कुवैत में हो गया था, रक्त की कमी से उनकी मृत्यु हुई थी। तब से मैंने ये प्रण लिया था, अपनी बनती कोशिश किसी की भी रक्त की कमी से जान नहीं जाने दूंगा। तब से लेकर आज तक मैं 70 बार रक्तदान कर चुका हूं और लोगों को प्रेरित करता हूं कि आप रक्तदान करें। और समाज अगर रक्तदान नहीं कर सकते, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा बनिए। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, वृक्षारोपण होता है, कन्यादान हुआ, भगवान ने कई आपको माध्यम किए हैं। अब वो इंसान की इच्छा पे, स्वइच्छा पे डिपेंड करता है कि वो समाज का किस रूप में हिस्सा बनता है। ध्यान रखिए कि 25 करोड़ की
कार में घूमने वाला या साइकिल में घूमने वाला, उसकी अस्थि हरिद्वार में 20 रुपए के मटकी में ही जाती है। तो सबको एक दिन उस मिट्टी में मिलना है। तो ये है कि यथाशक्ति, मैं ये नहीं कहता हूँ, पहले अपना घर, अपना परिवार, फिर आपका सब खर्चे काट के जो आपके दायित्व हैं निभाने के बाद अगर आपके पास कुछ बचता है तो यथाशक्ति उसको पुण्य और धार्मिक कार्यों में लगाएं। मैं उसी उसूलों पे चलता हूँ कि जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं चाहे गरीबों को खाना खिलाना हुआ या वृद्धाश्रम में, जैसा कि मेरा एक सपना भी है कि आगे जाके मैं एक ब्लड बैंक या वृद्धाश्रम खोलूं, जैसे वृद्धजनों की सेवा हुई। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैंने ना कई पौधे लगाए, और जैसे अभी महाराणा प्रताप जयंती पे कई बार मेरा महाराणा प्रताप गौरव से या महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मान, हालांकि मैं महाराणा प्रताप के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इतना बड़ा अगर मुझे सम्मान दो दो बार मिलता है तो मेरे लिए ये समाज सेवा के प्रति और दायित्व बढ़ता है कि लोगों ने मुझ पर जो एक भरोसा जताया है, और अब मुझे और ऐसे ऐसे प्रेरणा मिलती है इन अवार्ड से कि भाई मैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ। पहली बार जब मैं गया था तो काफ़ी डर सा लग रहा था, क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो एक पुत्र अपने पिता को, जो उसका सरकारी अस्पताल में भर्ती था, वो खून लेने को राजी नहीं था। वो पैसा देकर खून लेना उसको मंजूर था, लेकिन स्वस्थ हटा नटा होने के बाद भी वो खून नहीं दे रहा था। तो मन में ऐसा आया कि जब ये जीते जी अपने लिए नहीं करें, लेकिन मेरे अंदर एक वो थी कि अपने मृत्यु मतलब मरे हुए पिताजी के लिए करना है। तो काफ़ी जब निडल से अंदर गई तो क्योंकि काफ़ी दर्द हुआ था, तो मैं ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, पहला मेरा अनुभव था। तो फिर धीरे धीरे ईश्वर ने, मैंने ओम नमः शिवाय करके पहला रक्तदान दिया। जो मेरे अंदर रक्त का संचार, जो मुझे अच्छा लगा, उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ईश्वर का और मेरे पिताजी का आशीर्वाद था। उस समय क्योंकि मेरी माताजी जीवित थी, मैंने उनको वहीं से ही कॉल कर बताया कि मैंने आज जीवन का पहला रक्तदान किया है, और मेरी माताजी भी खुश हुई और मुझे भी एक खुशी मिली। तब से लेकर निरंतर 3 महीने होते ही अगर कोई आवश्यक कोई आ जाता है तो 4 महीने हो जाते हैं, अगर कोई ऐसा कोई कार्य आ जाता है तो लगभग मैं खुद ही इस तरह से ये समझे कि जैसे कोई बैंक की कोई किस्त है वैसे ही ईएमआई जैसे भरते हैं, वैसे ही हर 3 या 4 महीने में मुझे ये रक्तदान करना है, मतलब करना है, यथासंभव मैं इसको करता ही रहता हूँ। पहले रक्तदान में आपने वर्णन बताया कि आप उस व्यक्ति जो अपना पुत्र अपने पिता को रक्त नहीं दे रहा था, और उस समय आपने, आपको नहीं, एक दृश्य आपके सामने आया जैसे मेरे ही पिता। मुझे लगा कि भाई अगर ये कलयुग में ऐसा है कि जीवित के लिए भी नहीं, लेकिन ये था कि किस स्थिति में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई होगी, या काफ़ी उन्होंने जैसे जब उनका देहांत हुआ तो उनके मन में कई इच्छाएं रह गई होगी। तो मैंने आँख बंद कर जैसे भी भगवान का नाम लेकर और ये रक्तदान कर लिया, और मेरे आँख बंद करते ही दृष्टि में सिर्फ पिताजी की यादें ही, किस तरह से हमें वो प्यार करते थे, किस तरह से उन्होंने हमें बड़ा किया, अखबार बेचते थे, 300 रुपये की स्टेनोग्राफर की नौकरी भी करी, मिलिट्री में कभी सामान पहुँचाते थे, अपना जैसे स्ट्रगल वो बताते थे, अपनी जो गरीबी का दौर। तो बस यही था कि बस है ना, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, रक्तदान करके तो अपने पिताजी को एक खुशी पहुँचा सकूँ, वो तो हमारे लिए अच्छा खासा आर्थिक सामाजिक अच्छा संसार छोड़ के गए थे। तो इसलिए बस फिर निरंतर ये चलता आ रहा है, कारवां चलता गया, लोगों को प्रेरित करता गया, और यूँ मैंने इस बार कोरोना काल में भी कम से कम 100 यूनिट लोगों से करवाया, प्लाज्मा करवाया, डेंगू की अभी महामारी चली थी, काफ़ी लोगों को। तो कभी अपन किसी के काम आए होंगे
तो लोग भी एक फोन पर हाँ यार अजय जी तैयार हो जाते हैं। तो सब ये तो लेन देन का मामला है, अगर अच्छा करोगे तो लोग भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के मिला के चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय कथुरिया साहब का जो हमारे चैनल पे पधारे। मैं आपके सम्मान में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब दानवीर कर्ण ने ये बात कही थी भगवान श्री कृष्ण को कि देनदार कोई और है भेजत है दिन रैन लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे ने, दान देने वाला व्यक्ति हमेशा नज़र नीची रखता है, वो कभी सामने वाले को नहीं देखता कि मैं उसको दान दे रहा हूँ। अजय कथुरिया साहब, जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है आपने क्या प्रेरणा ली है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, वो क्या दे सकता है संसार को? भाई मेरा ये तो इंटरव्यू के जरिए कैमरे के सामने आना पड़ता है कि लोगों को प्रेरणा, बाकी मेरा यही है कि गुप्त दान से बड़ा कोई दान नहीं। दान का मतलब होना चाहिए कि इस हाथ से दे और इस हाथ को पता न चले। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे आत्मा हजार है हमारे, वैसे ही हम इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। दे ये सकते हैं कि ये जो मानव शरीर है ये किसी के काम आवे, इसमें रक्त है, कई जो जीते जी तो हम इसमें से अपने, क्योंकि हमको भी जीवित रहना है तो जीते जी तो हम रक्त दे सकते हैं। ये है कि मरणोपरांत अगर अपनी देह दान, जैसे कि मैं संकल्प ले चुका हूँ कि मरणोपरांत मैं अपनी जो ये काया है माणा भोपाल चिकित्सालय में दूंगा। तो अगर ये शरीर आप मरने के बाद अगर दान करते हैं तो या तो वो जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनके काम आएगा, या इसके ऑर्गन कुछ भी आपके अगर समय रहते आप हॉस्पिटल को अवगत करा देते हैं तो आपके कई ऑर्गन आँख गुर्दा कान या जो भी, मतलब कहते हैं कि इवन श्वास नली हुई, कुछ भी हुआ, हृदय हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, आई ट्रांसप्लांट हुआ, स्किन भी आजकल मैंने सुना है ट्रांसप्लांट होता है, आपके शरीर में अनगिनत ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। तो मेरा मानना है जैसे रक्तदान की एक बोतल, तुम समझो कि रक्त की एक बोतल तीन का बचाती है, तो हमारे शरीर में कम से कम भी 10 से 12 ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें से 5 प्रमुख हैं, किसी की 5 आदमी की या 6 आदमी की जान बचा सकते हैं। लोग मारे मारे फिरते हैं कि यार है ना सही हार्ट नहीं मिल रहा है या किडनी नहीं मिल रही है, तो आदमी मरने के बाद भी लोगों की स्मृति में जिंदा रह सकता है, उनकी यादों में जिंदा रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी कथुरिया साहब। अब ये बताइए कि इस 22 साल के सफर में कई उतार कई चढ़ाव आपके जीवन में आए होंगे, फिर भी आपने सेवा का साथ नहीं छोड़ा, आखिर कैसे आपके मन में सेवा पे सेवा मन में जागृत होती गई और आपने समझा कि नहीं ये मेरा काम है, आखिर आपके मन में ये सवाल क्यों आए? जैसा कि मैंने ये रक्तदान तो करता हूँ लेकिन शुरू से ही अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्चे काट के और अपने जो दायित्व निभाकर जो मुझ पे बचता है मेरे पास उसको मैं पुण्य कार्यों में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कई तरह की सेवाएं मैं सामाजिक सेवा में प्रदान करता हूँ। तो कई बार देखो कभी व्यवसाय स्थिति सही है कभी नहीं है, अभी जैसे कोरोना काल आया उसमें सर सहायता दिया अजय सर ने, और मकान भी बनवाया उसमें सहायता दिया, और बेटी के शादी किया यही उदयपुर में वो भी सहायता किया, और खाने पीने में थोड़ा दिक्कत आ जाते है तो जाते है सर के पास तो सब सहायता देते है हमारे। हमारे भी 3 बच्चे हैं, सब इसी ने मदद किया है। हाँ तो बच्चे को खून की जरूरत पड़ी थी, खून दिया था इन्होंने? दिया था इन्होंने खून। और कुछ खाना पीना देते हैं आप? सब चीज़ देते हैं, सब कुछ करते हैं लोग, बच्चों की पढ़ाई खाना पीना सब देते हैं। और आप? मेरे भी बच्चे बीमार थी छोड़ी ने, तो अजय अंकल ने बहुत मदद किए हैं, उसमें दवा पानी सब ने लगाए हैं, सब चारों तरफ लोगों को खर्चे काटना भी भारी पड़ रहा था। मैंने क्योंकि कुछ संचय कर रखा था, ठीक है व्यापार तो उतना नीचे चल ही रहा था, लेकिन मैं 3 दुखों की सेवा कर रहा था और
उठ के पैकेट बांट रहा था, लोगों को चिंता हो रही थी कि कैसे कर रहा है। तो कहते कि पूत सपूत तो धन काय सींचे, पूत कपूत तो धन काय सींचे, वैसे ही धन का संचय करो और सही समय पर उपयोग करो। तो इस 22 साल के सफर में एक तो कोरोना ने काफ़ी मेरी एक तरह से कमर तोड़ दी, लेकिन मुझे समाज की सेवा करनी थी। बीच में कई छोटे मोटे विघ्न आए, लेकिन सबसे बड़ा आघात सन 2019 में जब मेरी माता श्रीमती वीना खजूरिया जी का देहांत हो गया, तब से मुझे ये लगा कि आज से मतलब यूँ तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन आज से मेरे यूँ समझो कि मैं कहने को घर का बड़ा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर से कहते हैं कि मकान का केलू छत हट गया, मेरे ऊपर से पिताजी और माताजी दोनों का साया हट चुका है। तब एक पल के लिए लगा कि जैसे मैं सब कुछ अपना दान करके वो एक 3 साल का बच्चा अजय बन जाऊं जिसके पास कुछ नहीं है, कम से कम माँ बाप तो है, वो माँ की गोदी में खेलने वाला बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन माँ बाप का साया है। तो आज मेरे पास जैसे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन आज मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वो जहाँ भी हैं अपने प्रभु के वैकुंठ धाम में हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे को वृद्धजनों से लगाव भी है तो हर वृद्ध में मुझे अपनी माँ या पिता नज़र आते हैं। लोग इस कलयुग में जीते जी हैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं या हरिद्वार या कुंभ के मेले में ले जाते हैं और ना उनको भली लाखों की भीड़ में छोड़ के आ जाते हैं। फिर अखबार में अपन पढ़ते हैं कि यार ये लावारिस मिली, ये मिला, वो मिला या इसका शव मिला, अपन इसी पर इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि इसको इसके घर पर पहुँचाया जाए। मैंने कई बार कोशिश भी करी, तो मथुरा में एक बार गया था, वहाँ पे एक घूम रहे थे तो उनका कहीं घर था, तो उन्होंने घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये बीमार है और हमारे को इनकी दवाइयों पर बहुत खर्चा आता है, इसलिए हम छात्रावास अधीक्षक राजकीय महाविद्यालय स्त्री एससी कन्या छात्रावास सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उदयपुर से मैं अजय जी खतुलिया सर का हमारे छात्रावास परिसर में स्वागत करती हूँ। ये अजय जी खतुलिया सर हमारे छात्रावास में समय समय पर कई सारी हेल्प करते हैं, जैसे इन्होंने हमारे छात्रावास में एक फ्रिज दिया जो हमारे छात्राओं के लिए काफ़ी उपयोग में, जिसमें छात्राएं उसका उपयोग करती हैं, सब्जियां वगैरह ताज़ा मिल जाती हैं इनको, और ये स्टेशनरी वगैरह इस तरह का, और बाकी भी ये कुछ सामाजिक कार्य करते हैं समाज में, मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, ये कई सारे काम करते हैं। हमारे छात्रावास में इन्होंने बच्चों के लिए कुछ टेबल नहीं कर पाएंगे तो मैंने वहाँ कही वृद्धाश्रम में इनका दाखिला कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय खतुरिया साहब जो हमारे चैनल के सामने रूबरू हुए, आपकी सेवा को देखकर हमने सोचा कि क्यों ना आपके ऊपर एक स्टोरी बनाई जाए ताकि वो लोगों के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आपने जिस प्रकार से इस उदयपुर नगरी में रहकर, अभी तो आपने पूरे जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ आपने सभी जगह सेवा की है, बाहर उदयपुर ही नहीं आपने बता रहे हैं कि आपने आगरा वगैरह जहाँ भी गए हैं वहाँ कहीं ना कहीं सेवा से आप जुड़े रहे, और जहाँ भी आपको सेवा का मौका मिला आपने वो छोड़ा नहीं। भी इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें खतौरिया साहब ने, और ये बहुत खुशी की बात है, आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे ही आपको लगा कि यहाँ मुझे सेवा करनी, यानी आपने ड्यूटी चालू कर दी आपने ड्यूटी, तो ये बहुत बड़ी सेवा है और आपने एक इस देशभक्ति का एक मिसाल आपने पेश की है। हमारे चैनल पर हम रह नहीं पाए जब से आपकी स्टोरी, जब से आपको देखा कि सम्मानित होते हुए, तब एक नाम चर्चित हुआ, अजय खतुरिया, अजय खतुरिया ये कौन है, तो हमने क्यों ना क्यों सोचा कि हम भी जाएँ और आपसे रूबरू हों और हमारे चैनल पर आपको दिखाएँ कि देखिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी भी हमारे नगर में बसते हैं जिनके अंदर, हृदय के अंदर आत्मा बसती है और आत्मा ही परमात्मा होती है। तो आपने
जब बताया कि मैंने इतनी बार रक्तदान किया है, कि मैंने अनेकों बार रक्तदान किया है और रक्तदान करने का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने पिताजी को हर बार रक्तदान में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपने पिताजी की यादों को जिंदा रखे हुए हैं अपने हृदय में। अपने माता पिता को बहुत बड़ा स्थान आपने दे रखा है, मैं आपके माता पिता को नमन करता हूँ, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने हमारे चैनल पर आकर एक बहुत ही खूबसूरत इंसानियत मिसाइल का पेश किए। नमस्कार, मेरा नाम अजय खतुरिया है, मैं उदयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं अब तक 70 बार रक्तदान ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय जवाहरलाल जी खतुरिया, इनका ध्यान सन 2000 में कुवैत में हो गया था, तब से मैंने प्रेरणा ली थी कि किसी को भी खून की कमी से मरने नहीं दूंगा, और तब से मैं निरंतर ये रक्तदान करता आ रहा हूँ। और समाज के किसी भी रूप में मैं अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अपनी कमाई का जो भी एक हिस्सा यथाशक्ति करता रहता हूँ। मेरा लोगों से भी निवेदन है कि रक्तदान कीजिए, कोई कमजोरी नहीं होती। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रक्तदान, तो किसी न किसी रूप में समाज का कोई ना कोई हिस्सा बने, समाज का योगदान करें। जय हिंद। अच्छी तरह से ये हो गया, जल सेवा एक मानव सेवा है, और मैं आज गोपालपुरा संगठन का साथ पाकर बहुत खुश हूँ कि इन्होंने हिंदू सेवा संस्थान का, मेरी संस्थान का भी मान बढ़ाया, और हम दोनों संस्थान ने मिलकर कहते हैं कि जल का अवतार ही वरुणा अवतार झूलेलाल है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो साथियों, आपने अजय खतुरिया साहब की सेवाओं के बारे में एक एक झलक देखी, आइए उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अजय खतुरिया साहब के पास, जो आप सम्मान से नवाजे गए हैं सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दल, हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपके कार्यों को देखकर सम्मानित जो है वो किया गया है। आप उन सम्मानित संस्थाओं के बारे में और सभी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित अपने श्रीमुख से करना चाहेंगे? वर्णन स्वागत है आपका। देखिए सर, सम्मान का कोई भूखा नहीं होता। मैं अवल तो सम्मान समारोह में जाना कम पसंद करता हूँ, लेकिन क्योंकि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और कुछ समाज में नाम होता है ताकि हम पहचाने जा सकें, तो मैंने जैसे देखा है कि कई संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्होंने मेरा हौसला सही किया, मुझे बुलाया है। जैसे अभी हाल ही में मुझे 2 संस्थाओं ने महाराणा प्रताप अवार्ड या महाराणा प्रताप शिरोमणि से नवाजा गया। और जैसे कई नेताओं ने और आईएएस अधिकारियों ने, जैसे हमारे राजेंद्र जी भट्ट हैं साहब, जी राजेंद्र जी भट्ट जो संभागीय आयुक्त हैं, कलेक्टर साहब ताराचंद जी मीणा, अपने गुलाबचंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के बड़े नेता, मावली विधायक हमारे हिंदू धर्म के प्रचारक राम नारायण जी जोशी, आपके ओलंपिक मेडल जेता एवं हाल ही में जयपुर सांसद राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, और डॉक्टर लाखन पोसवाल MBA अधीक्षक, CMHO दिनेश जी खराड़ी, ऐसे देखा जाए तो हमारे प्रभारी मंत्री कांग्रेस सरकार राजस्थान सरकार के प्रताप सिंह जी काचेरावास, और ऐसे करके अपने कई नेता हैं, और हुकुम श्री लक्ष्मीराज जी मेवाड़ राजघराने के कुलदीपक, उन्होंने भी सम्मान किया है, और विश्वराज सिंह जी में भी मुझे सम्मानित किया है। तो ऐसे अनगिनत व्यक्तियों और संस्थाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिनको मैं अभी गिना नहीं सकता। मेरे अच्छे कार्यों के लिए उन्होंने मुझे सम्मान दिया, इससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों को प्रेरणा मिलती है, और
से हमको मुझे खुशी होती है और लोगों को भी आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा। बहुत खूब, हमने भी जब सुना कि आखिर कि अजय खतूरिया साहब ने जो काम किए हैं तो कितना हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हालांकि आप तैयार नहीं थे कैमरे पे आने को, आप कह रहे थे क्या करना दिखा के, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए जो सेवा है वो जन जन देखे, हर उद्योगपति देखे, हर गरीब व्यक्ति देखे, हर मीडियम क्लास देखे, हर एक बुजुर्ग देखे, हर एक माता देखे, और आपकी इस पूरी स्टोरी से, आपके उस पूरे कार्य के वर्णन से पूरे समाज में एक नई जन जागृति आए, एक नई पद्धति आए, और मानव बनकर मानव के कैसे सेवा की जाए, इंसान होकर इंसानियत कैसे निभाई जाए, तो उसी लिए हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इसीलिए हम आपको दर्शकों को, अपने जो दर्शक गए, बड़ी संख्या में दर्शक है, उनको सबको दिखाना चाहते हैं कि सेवा करनी है तो अजय खतूरिया साहब से सीखिए कैसे सेवा की जाती है, सेवा की गुल। आप कुछ कन्याओं की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वर्णन से बताएं कि कन्याओं के लिए आज की स्थिति क्या और हमें क्या करने की आवश्यकता है और आपने वर्तमान में क्या किया है। जैसा कि मैं गरीब कन्याओं के विवाह में, जिसे कन्यादान कहते हैं, कुछ न कुछ यथाशक्ति आज तक मैं कई कन्याओं की, निर्धन कन्याओं के विवाह में पैसा लगाया है और आज वो सब खुश हैं, तो उनकी दुआएं ही हैं जो मैं आज इस स्थिति में हूँ। इसी को देख के नारी उत्थान और नारी कल्याण जो मेरे सामाजिक कार्य हैं उसको देखकर दो बड़े विभागों ने, बाल अधिकारिता विभाग की मैडम उपनिदेशक मीना सिंह जी ने मेरा सम्मान किया है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्रीमान मानदाता सिंह जी ने मेरा सम्मान किया है। तो इसको ये गरीब और पिछड़े लोगों के लिए जो मैं मतलब करता हूँ उसको देखकर उनको मेरे कार्य अच्छे लगे तो किया है। बाकी मेरा जहाँ भी मेरी जरूरत होती है वो मुझे याद करते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ स्टेशनरी और फ्रिज और ऐसे कुछ जरूरत सामान छात्रावास में भी दिए थे, तो ये है कि जब किसी गरीब के काम आती कोई चीज़, कहते हैं कि अपने लिए लग्जरी आइटम से जरूरी है किसी गरीब के काम आने वाली रोटी, तो उस तरह से मैं किसी में बिलीव करता हूँ। सादा जीवन उत्तर कुछ विचार, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो सिंपल लिविंग आई थिंकिंग। तो हिंदू धर्म के तो अति सुंदर आपने विचार रखे हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपके लिए सम्मान में इतना सब कहना चाहूँगा कि तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है, यही पाठ अजय खतूरिया साहब ने हमको पढ़ाया है और सिखाया है, और आपकी प्रेरणा से बहुत कुछ जानकारी मिली है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि आपके कार्य की वजह से आपने हमेशा कैमरे की नज़र से चुराते रहे हैं, आपने कभी सामने नहीं आए, और पर्दे के पीछे रहकर आपने कहीं ना कहीं उदयपुर वासियों के लिए, आम लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, हर ज़रूरत के लिए वहाँ आप खड़े रहे हैं और हमेशा आपने सेवा के पथ पर रहे हैं। आज सनातन धर्म देखो, आप सनातन धर्म प्रेमी भी हैं आप, और लगातार इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। थोड़ा सा आप बातचीत करना चाहेंगे, आपके मन में कुछ बात जो है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर रखें। सर, मेरा ये मानना है कि ईश्वर एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। आज जो देश की स्थिति है, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, जो कट्टरवादिता को देखकर इस देश का स्वाद बिगड़ रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह एक समान है, तो अगर हम छोटी छोटी बातों में इतने किससे होते हैं एक छोटी सी बात पे, तो खुशी ये होनी चाहिए कि मतलब आपस में प्यार बना रहे। जैसे कहते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो शास्त्र पढ़ने होंगे, और बाहरी ताकतों से लड़ना है जैसे तो शास्त्र उठाने होंगे, तो देश की रक्षा होगी। तो आज
बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, अपने अंदर के रावण को मारने की बात है। मतलब जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे, तब तक हमारे अंदर जो राम बैठा है उसके हम कैसे दर्शन करेंगे, उस राम को जगाना होगा। इसलिए मैं खुद भी पैगंबर साहब के लिए हमेशा से अजमेर चौका शरीफ जाता रहता हूँ। मेरे लिए ये नहीं है कि कोई ये सब जगह मैं सिर झुकाता हूँ, ये हर कण कण में भगवान है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म को अपन नीचे नजरों से देखें। मैं इवन जहाँ पे भी जाता हूँ तो मैंने समस्त भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हुए या कहीं दरगाह हुई या कहीं पे भी चर्च हुए, तो मेरा यही रहता है कि हर धार्मिक स्थान में अपनी एक शक्ति होती है। आज कोई भी धार्मिक स्थल में आप चाहे वहाँ पे चादर चला रहे, चर्च में कैंडल चला रहे या मंदिर में माला चला रहे, ये है कि आप वहां से कुछ न कुछ ऊर्जा, आशीर्वाद, दुआ या ब्लेसिंग्स लेकर आप वहां से आ रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आपस में हम न लड़े, इसका फायदा अन्य बाहरी ताकतों को मिलता है। सही बात, बाहर का कोई आदमी ले सकता है। सही बात, इसलिए मैं खुद भी आज मेरे कितने ही मेरे व्यवसाय में कितने ही मेरे क्लाइंट ऑर्डर्स हैं। बहुत ही सुंदर बात की आपने कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हमें मिलजुल कर और अमन के साथ रहना चाहिए, प्रेम और मित्रता पूर्वक रहना चाहिए, और यही पाठ कहने की शायद आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय खतुरिया साहब ने आपकी तमाम जीवन में किए गए कार्यों का वर्णन पूरा आपको सामने रखा है। आशा है कि आप इस कुछ करेंगे और जरूर इंसान होकर इंसानियत के निभाएंगे। कहने को तो कहते हैं कि सिर्फ संसार में एक ही ऐसा प्राणी है मनुष्य जो दूसरों के लिए सेवा करता है। पशु पक्षी तो अपने बच्चों को अस्पताल नहीं ले जा सकते, पक्षी अपने बच्चों को अस्पताल, लेकिन इंसान पशु को भी अस्पताल ले जाता है, पक्षी को भी ले जाता है, धरती पर पुत्र बन के सेवा करता है। इस देश में प्रदूषण हो रहा है उसको रोकथाम, यानी कहे तो इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पर जो इंसानियत निभाता है, और आपने इसको वास्तव में साकार किया है। चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे बेटियों के विवाह की बात हो, चाहे किसी का आशय ना गिर गया तो आप वहाँ पे खड़े रहे। जब कोविड, जब हमारा देश महामारी से गुजर रहा था, उस समय भी आप चट्टान की तरह मजबूती के साथ हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे। हर जिसके पास भोजन नहीं था वहाँ तक भोजन पहुँचाया, जिसके पास संसाधन नहीं था उस तक आपने संसाधन पहुँचाया, और आपने अनेकों सेवा का वर्णन किया है। और आपने और आपकी टीम और आपके पूरे जितने भी दोस्त सखा है आपके, उन सभी ने कंधे मिलाकर ये सेवा जो है पूरी कर रहे हैं, और निरंतर ये सेवा आप करते रहे। हम सदा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके भंडार हमेशा भरे रहे और आप निरंतर इसी प्रकार से प्रगति और सेवा करते रहे। और मानव होकर आपने जो मानव और इंसानियत जो कायम की है, ये इंसानियत हर एक व्यक्ति सीखे, हर एक प्राणी सीखे, हर एक बुद्धिजीवी इससे प्रेरणा ले और निरंतर हमारे समाज की शोभा बढ़ाता रहे। मैं आपके माता पिता और आपके कुल को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसा धर्म और धर्मार्थी पुत्र को जन्म दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखें कि हिरण्याकश्यप के गर्भ में प्रह्लाद पैदा हुआ था और जिसने मानव जाति की रक्षा की, स्वयं की भी रक्षा की और मानव जाति का भी उद्धार किया। तो आप भी हमारे लिए भक्त प्रह्लाद से कम नहीं है, और आपने बता दिया है कि रक्त तो लाल ही होता है और सबके हृदय में लाल रक्त का संचार होता है। सिर्फ लड़ाई किसकी है, सिर्फ भावनाओं का झगड़ा है या रक्त की झगड़ा नहीं है। तो आपने ये नहीं देखा है कि मैं जिसको रक्त दे रहा हूँ वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस आपने ये देखा है कि वो इंसान, उसमें आपके पिताजी नजर आए हैं, आप उसमें आपकी माँ नजर आई है। आपने ये सोचा है कि मैं कैसे कैसे सेवा करूँ। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को, एक सुनहरा क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता, हमारे घर बैठे हुए श्रोता देखे और आपसे कुछ प्रेरणा ले और वो भी प्रेरणा के स्रोत बने। बाकी सब तो मैं आपके सामने वर्णन कर ही चुका हूँ। अगर मेरे कार्यों के बारे में या मेरे
बारे में आप जानना चाहें तो मेरा एक YouTube चैनल है अजय मापस उदयपुर, यहाँ पे मैं लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने समाज सेवी या अपने व्यापारिक जो डालता रहता हूँ। अभी आज के पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आसमान में उड़ो, इसका मतलब है माँ बाप से इतना दूर मत जाओ कि नीचे धरती नजर नहीं आए या फिर माँ बाप से अब दूर हो। सफलता जो है वो हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। आपको लोगों दिलों में जगह तो अपने व्यवहार को इतना शामिल कर दो कि लोग आपके लिए सोचें और किसी न किसी रूप में समाज के काम आए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो नहीं दे सकते तो अन्नदान प्रसिद्धान विद्यादान कीजिए, वृक्षों की कन्यादान कीजिए। ईश्वर ने आपको 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन दिया है, 84 लाख योनियों के बाद आपको यह जीवन दिया है तो इसका उपयोग कीजिए और किसी के रूप में किसी के काम आए। जी मैं कोविंद जी का और आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री, मेरे जीवन की सारी मैंने आपको बता दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचेगी, किसी का लेश मात्र भी, मैं कहता हूँ अगर 25% भी किसी का भला होता है तो मैं ये समझूंगा कि अच्छा होगा। आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया है किसी गरीब की पीड़ा को देखते हुए, या यूँ समझिए कि मतलब समाज के उत्थान के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जय हिंद।